हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ताकि दोस्त, आज नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा जानने वाले हैं, क्योंकि अब 20 से 15 मिनट का वीडियो होगा आपका, जिसमें कि समझ लीजिए एक तरह से शॉर्ट ट्रिक ही, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग आ जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लगभग 20 से 25 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें काफ़ी तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो डायरेक्ट उसी जगह से उठ के आ जाते हैं। अभी तो डिटेल में स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप लोग उसको एक बार देखे रहते हैं तो यहाँ पे डिटेल में स्टार्ट जब करेंगे, सारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ऊंचाई और डिस्टेंस हो गया, और टाइम एंड वर्क हो गया, CISI हो गया, सब कुछ डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल भी वहाँ पहले उसको बनाए रखिए, अपना रूटीन डेली उसको देखते रहिए। और इस समय तो हम लोग सीरीज भी प्रीवियस ईयर सीरीज चलाए हुए हैं। आप लोग जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अब ऐसा नहीं दिल्ली पुलिस में जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आता है वह रेलवे में नहीं आ सकता, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC, SSC में नहीं आ सकता, या फिर DRDO में नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जहां मैथ आता है आ सकता है। सॉरी फ्रेंड, तो आज हम लोग, हमारा एक नंबर सिस्टम का वीडियो जा चुका है, आप लोग उसको देखिएगा। आज हम एक नंबर सिस्टम का और शॉर्ट ट्रिक, मतलब इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन आके उठ के आ जाते हैं, बच्चे थोड़ा सा एक मिनट दो मिनट ले लेते हैं सॉल्व करने में, लेकिन हम लोग उसको तुरंत देखेंगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, फिर उसको विस्तार से भी समझेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले विस्तार से समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसका शॉर्ट भी देखेंगे कैसे तुरंत किया जा सकता है। पहले आप लोग देखिए हम कैसे करते हैं, ठीक है दोस्त। देखिएगा, जैसे हमको निकालना है, इसमें हम क्या करेंगे, 5 3 8 2 × 8 5 − 3 2 2 से चला गया, इसका आंसर 8 आ जाता है। अब अगर इसको हमको निकालना हो तो 7 3 10 2 12 12/2 6 + 7 = 35 √35 आ जाएगा, इसका आंसर यह लिख देंगे हम। अगर इसको हमको निकालना हो, इसको हम कैसे निकाल देंगे, 5 − 1 ठीक है, नीचे तो 4 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 5 − 1 यानी 2 + 6 2 × 6 2 1 2 2 4 2 3 6 यानी कि इसका आंसर 3 आ जाएगा। अगर हमको इसको सॉल्व करना हो, इसको कैसे करेंगे, देखिएगा 2 2 2 2√6 2√6 यानी कि 4√6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 3 − 2 1 तो 1 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 4√6 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग देखे होंगे कैसे हम इसको इतना जल्दी सॉल्व कर लिए, आप लोग भी इसी तरह करने लग जाएंगे। थोड़ा सा कुछ चीज़ें जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको कैसे हम लोग फटाफट कर सकते हैं उसको सीखेंगे। जैसे आप लोग को पता होगा रूट, या देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, बस यहाँ पे रूट बना हो तो यहाँ पे 2 होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा ये सारी चीज़ें, लेकिन पहले से जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, वो शुरू से सीखने आते हैं, तो हम लोग सबको लेकर चलते हैं, है ना, तो सबको लेकर चलते हैं तो शुरू से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब रूट बना हो तो यहाँ पर 2 होगा, और इसके अंदर जो भी कुछ आता है, जैसे आ गया 8, तो 8 का जब तक 2 2 का पेयर नहीं बनेगा तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। जैसे अगर बात करें 2 × 2 × 2 यहाँ पे 2 है, 2 × 2 = 4 तो एक ही का पेयर बन पा रहा है, एक अंदर है, इसको लिख सकते हैं 2√2 ठीक है। अगर इसी जगह यहाँ पे 3 होता, इसको क्यूब रूट बोलते, तो यहाँ पे 3 आ जाता, जब यहाँ पे 3 होता तो 3 का पेयर बना देते, तब आ जाता मेरा 2 बार केवल, ठीक है दोस्त। एक तो यह चीज़ रही, और एक ध्यान से देखिएगा, जब कोई रूट में रहता है, कोई वैल्यू रूट में, मान लीजिए रूट एट है इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जो ये 2 है ये घूम फिर कर ऐसे हो जाता है 1/2 ठीक है। अगर यही रूट एट यहाँ पे 2 होता तो ये वाला जो 2 है घूम के इसके नीचे आ जाता ऐसे, ठीक है, यानी कि 8 2/2 तो क्या हो जाता, केवल 8 हो जाता है ना। और देखते हैं अगर हम बोल दें यहाँ पे पहले से 2√8 है, और यहाँ पे स्क्वायर है, उसके भी पावर में स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू बता दीजिए, तो यहाँ पे √2 जो है वो उठ के आ जाता है इसके नीचे, 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो 8 2 बचेगा ना, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, एक घन का नियम है, घन का रूल है, तो 2 × 2 = 4 4/2 2 यानी कि 8 8 2 हो जाएगा, यानी कि 64 इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, 64 ठीक है। या फिर देख लीजिए, अगर किसी भी रूट के पावर में स्क्वायर होता है तो उसका वैल्यू 8 आता है, मतलब वो बाहर हो जाता है, बस डायरेक्ट याद रखेंगे रूट के पावर में अगर स्क्वायर आ गया तो हमेशा रूट हट जाता है, ठीक, इसको याद रखेंगे। और एक चीज़ देखिए, √5 + √3 है, अगर इस दोनों का स्क्वायर है इस तरह है, तो इसका हो जाएगा 5 + 3
बराबर 8। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे हो जाता है रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए 5 यानी कि रूट 5 का स्क्वायर। देखिएगा पहले हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट में देखेंगे। रूट 3 बने रहेंगे लास्ट तक, तभी जाके समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो हम विस्तार से पढ़ा रहे हैं, तो स्टार्टिंग का देखकर भाग जाना कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ठीक है, अभी तो मज़ा ही नहीं आएगा। 5 और 5 3 का, 5 3 15 2 रूट 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस 3 8 हो गया, प्लस 2 रूट 15 हो गया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा जब यही चीज़ आ जाता है इस फॉर्म में या फिर इस तरह आ जाता है, तो बस 5 3 8 लिखेंगे और 5 3 15 गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर हमको पता होता है, बस डायरेक्ट ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी थोड़ा छोटे छोटे से बताना स्टार्ट कर रहे हैं इस वजह से कि बहुत सारे लोग इसमें नए हैं, ठीक है, इस वजह से उसको समझ पाएंगे ना, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट, अगर यही चीज़ माइनस में हो जाता है, अगर यही चीज़ माइनस में हो जाता है तो कैसे देखेंगे, देखिएगा बस 5 माइनस 3 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 बराबर 2 हो जाता है। लेकिन अगर यही ऐसे हो जाता है रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाता है, तो बस 5 माइनस 3 नहीं करेंगे इस बार, 5 प्लस 3 करेंगे दोस्त, 5 प्लस 3, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर 5 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस ए माइनस बी में क्या आ जाता है माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 15, 5 3 15, अब 5 3 8 माइनस 2 रूट 15। अगर इतना समझ गए हों तो आगे चलते हैं एक स्टेप, देखिएगा इसके बाद वाला स्टेप ध्यान से देखते रहिए आप लोग, बहुत अच्छे समझ जाएगा। हम पूरा जीरो से उठाएंगे, ऊपर लाकर खड़ा करेंगे, देखिएगा रूट 5 प्लस रूट 3, नीचे अगर आ जाता है रूट 5 माइनस रूट 3, तो बस अब क्या करना है, अगर इसका ऐसे स्क्वायर आ जाता है दोस्त, नंबर तो सेम हो लेकिन माइनस प्लस का अंतर हो, लोग कहेंगे सर यहाँ प्लस भी तो हो सकता है, हाँ अगर प्लस होगा दोनों कट जाएगा तो वन आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम हो गया ना, तो यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर देखिए 5, 3 का रूट 3 का 3, 5 माइनस 3 2, तो 5 3 8 बटे 2 यानी कि 4 आ जाने वाला है, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया है तो बोलिए, नहीं तो फिर एक और देख लीजिए, देखिए रूट 7 का स्क्वायर माइनस अगर रूट 4 का स्क्वायर होता, अब इस बार माइनस ऊपर हो गया, रूट 7 प्लस रूट 4 का स्क्वायर, इस बार प्लस नीचे हो गया, बस वही काम करना है इसमें भी, यहाँ पे 7 है तो 7 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ पे 4 है तो माइनस जो है माइनस लगा रहेगा, माइनस में कोई अंतर नहीं, अगर माइनस अंदर होता तब प्लस हो जाता, माइनस बाहर है इसलिए माइनस यहाँ पर लगा रहेगा। अब यहाँ पे 7 प्लस 4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 11, ठीक है दोस्त, 3/11 इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं, ठीक है, इसी में देखिएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर बटे रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, आप लोग देखते रहिए, यहाँ पे प्लस आ गया, एक बार प्लस लेके भी करेंगे, एक बार माइनस लेके भी चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ट्रिक बताना स्टार्ट करेंगे, देखिएगा आप लोग, अब यहाँ पे आ जाता है रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और नीचे आ जाता है रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। अगर इतना आप लोग सीख गए हों पीछा वाला पूरा, तो इसको लगाने में देखिए, अब देखिए 5 प्लस 3 क्या होगा 8 होगा, जब भी यहाँ पे प्लस होगा तब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिएगा रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होता है, जैसे 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 5 3 15 हो जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, जब यहाँ पे प्लस होता है तो 5 प्लस 3 8, इसका भी 5 प्लस 3 8, क्योंकि माइनस में इसका प्लस आया है, अगर इसका होल स्क्वायर लेंगे तो इसका तो माइनस में आ जाएगा, आएगा ना माइनस में। एक स्टेप आप लोग पहले समझ लीजिए फिर इसके बाद उसको देखिएगा, नहीं तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा पक्का। अगर इसी में होता है रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाता 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 15,
यही तो आता। और यहाँ पे माइनस की वजह से, यहाँ पे अगर माइनस, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस की वजह से ये पूरा क्या होगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो माइनस 5 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 2√15 ए इंटू बी, 5 ए है और बी 3 है, रूट 3 है, तो 5 × 3 = 15 2√15 हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस आता, माइनस है, लेकिन माइनस की वजह से सारा साइन अंदर का चेंज। अब देखिए यह पाँच तीन कट जाएगा, बचेगा 2 × 2 = 4 4√15। अब ध्यान समझिएगा, जब भी यहाँ पे प्लस होता है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 5 + 3 = 8, इधर का भी 5 + 3 = 8, यानी कि 8√2 क्या लिख देंगे डायरेक्ट ऊपर, 8√2 लिख देंगे, बस सिंपल ऊपर इसको लिख देंगे 8√2। समझ आया क्यों लिखेंगे? ठीक है, समझ आ गया होगा क्यों लिखेंगे, फिर से देखिए अगर नहीं समझ आया तो। अगर यहाँ पे प्लस होता है, जैसे यहाँ पे माइनस है, माइनस की बात नहीं करेंगे, माइनस की बात भी करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो 5 + 3 = 5 + 3 दोनों का। अब ये माइनस या प्लस नहीं देखेंगे हम लोग, बस यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 5 + 3 = 8√2, 8 × 2 = 16 तो होगा 8 × 16 = 8 8√2 लिख दिया हम लोग, ठीक है 16 हो गया। अब नीचे 5 − 3 अगर इस तरह हो, प्लस एक माइनस में, तो 5 − 3 कर देंगे तो आ जाएगा 2, 2 से कट जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा दोस्त। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे माइनस हो जाता है तो अब देखिए यही वाला कंडीशन बनेगा ना, इसका 5 + 3 प्लस में आएगा, इसका 5 + 3 माइनस में आएगा, तो 5 और 3 कट जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे, जब माइनस में यहाँ पे है और इस तरह के सिचुएशन बने हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे 5 × 3√ (5 × 3 = 15, इसका 2√15 इसका 2√15 कितना हो जाएगा 4√15 / 5 − 3 वही रहने वाला है, 5 − 3 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 × 2 = 4 यानी इसका आंसर आ जाएगा 2√15, ठीक है दोस्त। और देखते हैं, देखिएगा अभी डायरेक्ट फार्मूला भी बता देंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें √7 + √4 / √7 − √4 + √7 − √4 / √7 + √4, इसकी बात कर लें दोस्त, वहाँ पे जो स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दीजिएगा, स्क्वायर मत लगाइएगा, जो पिछला वाला बता दिए थे स्क्वायर लगा के ना, तो स्क्वायर मत लगाइएगा उसमें, ठीक है, स्क्वायर मत लगाइएगा वहाँ पे, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो अब अगर इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, स्क्वायर वाला मत उसको, जो √5 था ना, यही था ना पिछला वाला, √5 का स्क्वायर कर दिए थे हम ना, माइनस प्लस √3 का स्क्वायर कर दिए थे, फिर यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऐसे करके बताए थे ना, ये केवल सिंगल रहेगा तब के लिए, जब दोनों आ जाता है इस तरह तो यहाँ पे ये स्क्वायर हट जाता है, बस आप लोग वहाँ पे स्क्वायर हटा लेंगे, वो गलती हो गया था थोड़ा सा, उसको आप स्क्वायर हटा कर करेंगे, ठीक, समझ में आया होगा। नहीं तो यहाँ से देखिए फिर से, √7 + √4 √7 − √4 √7 − √4 √7 + √4, अगर ऐसा आ जाता है सिचुएशन तो बस वही चीज़ अभी बताए हैं, यहाँ पे प्लस है, जब यहाँ पे प्लस है तो 7 + 4 = 7 + 4 कितना हो जाता है 7 × 3 = 10 = 11 = 12 7 × 3 = 10 = 11 11 ही होगा ना, देखिए तो 7 × 3 = 10 इसको 5 बना लें क्या, चलिए 5 बना लेते हैं, 7 × 3 = 12 हो जाएगा, थोड़ा सा तो काटने में बिजी हो है ना, बस समझना है दोस्त, या मत सोचिएगा सर आप क्यों 4 हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं 4 ले सकते हैं, 7 × 3 = 10 = 12 इधर हो गया, 7 × 3 = 12 इधर हो गया, 12 इधर 12 इधर, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2√12, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस में, इसमें से 2√12, अगर यहाँ पे माइनस होता तो 2 देखिएगा ध्यान से, तो क्या लिखते हैं हम लोग 2 इधर का 2√ आता, तब लिखते 4√7 × 35 4√35। अब देखेगा नीचे 7 − 5 है, 7 + 5 है, तो 7 − 5 कितना हो जाता है दोस्त 7 × 3 = 10 = 12 7 − 5 करेंगे 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना 2 आ जाएगा। अब 2 और 2 कट गया तो इसका आंसर क्या आ गया 12 आ गया, बस देखिए शॉर्ट ट्रिक बन रहा है ना अपने से, तो यही है शॉर्ट ट्रिक दोस्त और कुछ नहीं। अब एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं, ठीक है, √3 + √2 / √3 − √2। अब ये चीज़ देखिएगा, हम प्रमेयीकरण अगर इतना ही केवल रहता है जिसको प्रमेयीकरण बोल के करते हैं, अगर विस्तार से करना है तो अब कुछ लोग प्रमेयीकरण करते हैं इसे, तो √3
प्लस रूट टू कर देते हैं ऊपर। क्यों ऊपर कर दिए? क्योंकि इसका साइन चेंज करके ऊपर कर देते हैं, जिससे कि हमारे पूरे हिसाब में कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से बराबर इक्वल इक्वल हो गया, इसे प्रमेयीकरण बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिएगा अब इसको क्या किया, प्रमेयीकरण कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि हमको स्क्वायर बनाना था। यहाँ पे हो जाएगा ऊपर रूट थ्री प्लस टू का होल स्क्वायर, रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही वाला फार्मूला, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। ऊपर वाला बचेगा तीन प्लस दो, देखिए तीन प्लस दो प्लस टू रूट सिक्स, यही तो बचेगा है ना। अब यहाँ बचेगा तीन माइनस दो। तो हमारी बतलाने का सिर्फ यही मतलब था इसको, जब भी यहाँ पे दोनों का डिफरेंस एक में आ जाए, कितना में आ जाए दोस्त, एक आ जाए। जब दोनों का डिफरेंस एक आ जाए तो इतना समझ लीजिएगा नीचे का कुछ करना ही नहीं, नीचे का हम कोई मतलब नहीं है। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इतना सोचना नहीं, बस ऊपर का लेकर चलना है। तो तीन दो पाँच, पाँच प्लस टू रूट सिक्स आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्त, लेकिन देखिएगा आगे, अगर यहीं पे प्लस आ जाता है, प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू बटे रूट थ्री, यहाँ पर माइनस कर लीजिए, माइनस क्योंकि ऊपर प्लस है तो इधर माइनस, रूट थ्री प्लस रूट टू। अगर दोनों तरफ प्लस कर देंगे तो पूरा का आंसर, जैसे ए प्लस ए है तो हो जाता है टू ए, तो वही हो जाएगा। इस वजह से प्लस नहीं किए, ठीक है, यह मत सोचिएगा सर प्लस क्यों नहीं किया। ठीक है तो प्लस नहीं करेंगे, माइनस, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है। अब देखिए कैसे होगा, तीन है दो है, यहाँ प्लस है तो तीन प्लस दो, तीन प्लस दो, तीन प्लस दो कितना होगा, पाँच होगा, पाँच गुणे दो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पाँच गुणे दो। ठीक है दोस्त, पाँच गुणे दो कर लीजिए, जो टू रूट सिक्स माइनस टू रूट सिक्स आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीन माइनस दो एक आ गया, तो एक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एक का कोई मतलब नहीं है, पाँच दूनी दस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस आ जाता है, यहाँ पर अगर माइनस आ जाता है तब देखिए आंसर पूरा बदल जाएगा। तब क्या हो जाएगा, जो तीन दो ले रहे थे वो तीन दो ना लेकर अब रूट वाला लेंगे, रूट वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू रूट सिक्स तीन दूनी छः गुणे दो टू रूट सिक्स, यहाँ पर जैसे कि रूट थ्री प्लस रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तीन प्लस दो प्लस टू रूट सिक्स। अब इसी तरह इसको इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तीन प्लस दो माइनस टू रूट सिक्स। अब यहाँ पे माइनस की वजह से इसका पूरा साइन चेंज, तो यह वाला माइनस तीन माइनस दो कैंसिल हो जाएगा ना, देखिए बचेगा टू रूट सिक्स, टू रूट सिक्स यानी कि चार रूट सिक्स। अब नीचे क्या है, तीन माइनस दो एक है, तो इसका आंसर एक आने वाला है, ठीक यही आएगा। अब देखिए अगर जो भी अभी तक नहीं समझा होगा वह अब समझ जाएगा। देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन वही रिपीट करते हैं, रूट सेवन प्लस रूट फाइव बटे रूट सेवन माइनस रूट फाइव प्लस रूट सेवन माइनस रूट फाइव अपान में रूट सेवन प्लस रूट फाइव। इसको तो एक तरह से डायरेक्ट जैसे बताया उस तरह सॉल्व कर सकते हैं, अगर उस तरह नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो डायरेक्ट इसके लिए फार्मूला देखिए क्या हो? जब ऐसे सिचुएशन होते हैं, मतलब ए प्लस बी अपान में ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, जब ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं दोस्त तो बस डायरेक्ट हम लोग क्या कर देना होता है, टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे के ए, सॉरी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, समझ में आया हो ना। जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, मतलब इसका वैल्यू हम लोग अगर निकालना चाहें तो टू इंटू ए को सात मान लेते हैं, बी को पाँच मान लेते हैं, मतलब रूट सात को ए मान लेते हैं, रूट पाँच को बी, यही तो है, देखिए वही चीज़ है ना। ठीक है a माइनस बी ए प्लस बी, फिर a प्लस बी ए माइनस बी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोनों में से किसी को आगे पीछे प्लस कर लेते हैं क्योंकि प्लस का साइन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए रूट सेवन का स्क्वायर करेंगे तो सात आएगा, अब रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो प्लस पाँच आ जाएगा। नीचे क्या आने वाला है, नीचे देखिए सात रूट सात का स्क्वायर करेंगे तो सात आ जाएगा, रूट पाँच का स्क्वायर करेंगे माइनस पाँच आ गया, बस दो गुणे सात तीन दस दो बारह बटे दो, सात माइनस पाँच दो, दो कट गया आ गया आंसर बारह। तो डायरेक्ट इस फार्मूले को भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। और देखिएगा अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जब यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो जाए तो उसके लिए क्या लगाएंगे, मतलब ए प्लस बी बटे ए माइनस बी हो, माइनस ए माइनस बी बटे ए
प्लस भी हो जाता है, तो उसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन लगा देंगे, फोर ए बी बटे के ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फोर ए बी बटे ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ऐसे आ जाता है मतलब जब यहाँ पे माइनस आ जाता है, प्लस आया था तो क्या किए थे, टू इंटू रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपान में रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। लेकिन अगर यही चीज़ माइनस में यहाँ पे आ जाए तो फोर ए बी अपान में रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, बस डायरेक्ट सॉरी रूट ए नहीं, फोर ए बी इंटू अपान में ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्त, यह कर देंगे, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए दोनों, पिछला वाला और यह वाला, इसको देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर, अब ए के प्लेस पर रूट सेवन है, बी के प्लेस पर क्या है रूट फाइव है, यही तो है। अब देखिए रूट सेवन लिख देंगे ए के प्लेस पर, ठीक है, और रूट बी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, रूट फाइव लिख देंगे, इनटू है दोनों के बीच में, ठीक है। और नीचे आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यानी कि रूट सेवन का स्क्वायर सात, रूट पाँच का स्क्वायर दो, मतलब सॉरी पाँच, सात माइनस पाँच करके दो आएगा, यहाँ पे देखिए चार, सात पचे पैंतीस बटे सात माइनस पाँच दो, दो दूनी चार, यानी कि टू रूट थर्टी फाइव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह हम लोग किसी भी काम को इजी बना सकते हैं। अगर कि फार्मूला लगाना है फार्मूला लगाइए, नहीं तो फिर जैसे डायरेक्ट बताए हैं जैसे, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, सात प्लस पाँच यहाँ पे माइनस है तो सात प्लस पाँच सात माइनस पाँच कट जाने वाला है, यानी कि दो लिखेंगे इंटू सात गुणे पाँच रूट में पैंतीस लिख देंगे बटे सात माइनस पाँच दो, दो दो चार हो जाएगा यहाँ पे ना, क्योंकि दो रूट थर्टी फाइव इसका, दो रूट थर्टी फाइव उसका, यहाँ से दो दूनी चार हो गया, यानी कि आंसर डायरेक्ट आ जाएगा टू रूट थर्टी फाइव। अगर दो समझ में आया है ये सारा क्वेश्चन तो आप लोग अच्छे से इसको समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया है तो और अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि दो बार तीन बार देखिए तो समझ में आ जाएगा, वैसे इसमें कुछ नहीं था दोस्त। ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, ऐसे करेंगे तभी जाके सफलता मिल पाएगी, नहीं तो आज का युग में सफलता बहुत मुश्किल है दोस्त, क्योंकि कंपटीशन इतनी ज़्यादा हाई हो गया है, हमको यह सब सीखना पड़ेगा, अगर ये सब सीखेंगे तभी जाके आगे बढ़ पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा, अच्छी लगी होगी शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड को भी बताइएगा दोस्त, अच्छी तो लगी होगी कन्फर्म है। और बहुत सारे हम लोग तो स्टार्ट करें अनुसार हैं, रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, और हम मैथ को पूरा डिटेल में, वैसे अभी भी जो मैथ का जा रहा है सीरीज वो कम नहीं है, वहाँ से डायरेक्ट जितने भी अभी तक जा चुके हैं, हम दिल्ली पुलिस का पेपर सॉल्व कराते हैं उसमें देखिएगा, दिल्ली पुलिस वाले में जाकर थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो वहाँ पे आएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा उसको, उसके पेपर को देखिएगा, डायरेक्ट उठ के आया हुआ है मेरे ट्रिक से, जितने भी अभी तक 15-20 वीडियो बन चुका है ट्रिक का, उसमें देखिएगा 15-20 में से कम 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन आया है, वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन में उठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो जाता कि हमें पता हो पेपर में क्या आता है तो कितना अच्छा बात रहता, तो वही पढ़ के जाते, फालतू का नहीं पढ़ते, तो समझ लीजिए बस ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके साथ। तो आप लोग पढ़िए उतना ही, उतना एक्स्ट्रा पढ़ना तो पढ़िए, लेकिन जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़िए, देखिएगा बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्त, चैनल पे बने रहिए और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, थैंक यू फ्रेंड।